रहमान रहीम जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून। ठीक है, अब उसने क्या चीज़ दी हुई है हमें? उसने कहा है कि ये आपके पास सपोज मून है, मून का आप एक तो मून पे ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जैसे आप लिखेंगे कि ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून वो कितनी है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये वैल्यू आप ऐसे याद भी कर लें क्योंकि ये अक्सर गिवन भी नहीं होती न्यूमेरिकल्स में। इसके अलावा उसने कहा है कि रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून क्या है कि सेंटर से लेके उसके किनारे तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है रेडियस, और रेडियस को आप लिखते हैं 1740 किलोमीटर, इस तरह। ठीक है, आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने फाइंड आउट करनी है मास, मतलब जो मून है उसका मास कितना है। आप लिखेंगे मास, उसको कैपिटल एम से लेके स्मॉल एम मून रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने मास फाइंड आउट करना है। अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे। डाटा में आपको क्या क्या चीज़ गिवन है? डाटा में उसने रेडियस दिया हुआ, आप लिखेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। ठीक है, जिस तरह हमने पहले ही कन्वर्ट किया, हम इसको वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। 1 2 3 मतलब 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10^3, और किलो का भी क्या आ जाएगा, 10^3 साथ में आ गया मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10^6 मीटर। रेडियस कन्वर्ट हो गया, और दूसरा आपको ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून दी हुई है वो कितनी है, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10^4, सॉरी ये तो ग्रेविटी की वैल्यू ही 1.62 ही है, तो साथ में इसका यूनिट आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? आपने फाइंड आउट करना है मास ऑफ मून, जिसको आप लिखेंगे मास ऑफ मून इस तरह। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, आपको पता है कि जी एम इज इक्वल टू जी एम एम मास ऑफ मून हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये रिलेशन देखें तो इसमें आप ये मास फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी आपको चीज़ें गिवन है। आप क्या करेंगे, रेडियस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी एम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ मून, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मास ऑफ मून इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी है, 1.62, रेडियस कितना है, 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10^6, और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रेडियस का क्या है हमारे पास, स्क्वेयर है। ठीक है, रेडियस का स्क्वेयर ले लेंगे। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 1.74 है, 1.74 का हम स्क्वेयर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3.0276। ठीक है, 1.74 का स्क्वेयर लिया मल्टीप्लाई बाय 10^6, इसका स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10^6 2 12। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे, वही टर्म दोबारा डिवाइड कर देंगे, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दो चीज़ों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 3.0276, तो आंसर आ जाएगा 4.904712। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10^12 वैसे आ गया, और नीचे वाली टर्म को हम ऐसे क्लिक लेंगे, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10^-11। अब हम इन दो चीज़ों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.73 मल्टीप्लाई बाय, पहले हम उसको पूरा लिख लेंगे ताकि आगे कुछ हमें कन्फ्यूजन ना हो, 0.7350 है। ठीक है,
और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पार 12, और ये -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +11। तो अगर आप इसको जब स्टैंडर्ड वैल्यू मिलते हैं तो 0.7 तो स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं आता ना, 7.3, मतलब ये जो पहला डिजिट हो वो हमारे पास 0 और 9 10 के बिटवीन होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि वन डिजिट मूव किया 7.3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, जब हम किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं माइनस में, वन डिजिट मूव किया तो -1, ठीक है। साथ में क्या आएगा, 10 रेज टू पार, ये 12 और 11 कितना हो जाता है, 23, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 10 रेज टू पार 23। अब 23 में से जब -1 गए, क्या आ जाएगा, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पार 22। हमने फाइंड आउट क्या किया था, हमने फाइंड आउट किया था मास ऑफ मून, तो ये हमारे पास मास ऑफ मून आ गया। और साथ में क्या लिखेंगे, मास ऑफ मून, SI यूनिट लिखेंगे, मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ मून का यूनिट आ गया।